हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरी मम्मी का घर। और जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं बहने, तो इसी तरह से सब लोग एक ही जगह हम लोग इस तरह से इकट्ठे होकर बैठते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर हम लोग निकले आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन बहुत ही फनी था क्योंकि हम एक गाड़ी में 12 या 14 जितने लोग बैठ कर जा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि हमें मतलब कैब नहीं मिल रही थी या ऐसा कुछ था, लेकिन बस हमें मस्ती करनी थी, बहुत ही एंजॉय करना था एक दूसरे के साथ। और ये इस तरह से मतलब हम लोग यादें ना ऐसी बनाते ताकि हम अकेले में भी हंसते रहें जब वीडियोस देखें। तो ये सब हम लोग बैठे थे और सब कुछ आगे पीछे बीच में सीट में सब जगह सेट हुए थे। सच में बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ही हमने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा मतलब। और एक्चुअली वहाँ मैंने बोला था, लेकिन ये हुआ कि गाड़ी में म्यूज़िक चालू था इसीलिए मुझे वो वॉइस कट करके ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन रियली बहुत ही फनी था, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग, मतलब इतनी मज़ा। और भगवान करे मेरे जैसे बहनें सबके पास हो ताकि वो अपनी हर खुशी अपनी बहनों के साथ जी सके, बांट सके, एंजॉय कर सके। हमारे बच्चों का भी थू भगवान बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग इसीलिए मतलब जो बाहर से आती हैं बहनें वो भी इंतज़ार करती हैं, मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि कब छुट्टियाँ आए, कब हम लोग इकट्ठे हों और कब ये मस्ती करें। और भगवान को मैं थैंक यू कहूँगी कि मुझे मेरे भाई जैसा भाई दिया जो हमेशा रेडी रहता है, ऑलवेज़। आप कभी भी उसको बोलो कि भाई बाहर जाना है चलेगा हमारे साथ, वो हमेशा तैयार होता है, कभी मना नहीं करता। कभी भी कुछ भी किसी काम के लिए उसको बोल दो, वो कभी मना नहीं करता। तो मैं भगवान को बहुत थैंक यू कहूँगी कि मुझे ऐसा भाई, हम लोगों को, हम बहनों को ऐसा भाई दिया है जिसको मतलब हम प्राउडली भगवान से थैंक यू कह सकते हैं कि भगवान थैंक यू हमें ऐसा भाई देने के लिए। और मेरी छोटी वाली बहन एक्चुअली बता रही थी, लेकिन यही कि गाड़ी में म्यूजिक चालू था इसीलिए मुझे वॉइस कट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पर उसने बहुत ही अच्छा मतलब बातें की थी हम लोगों की, जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जो बॉन्डिंग है उसके बारे में। तो बस भगवान जी हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम हर सालों साल छुट्टियां एंजॉय करते रहे। और ये देखिए बाद में हम लोग पहुँच गए थे और वन बाय वन निकल रहे थे, लेकिन कुछ उस तरफ से निकल गए थे, वरना हमारा मन था कि हम लोग गाड़ी में से सभी निकलते हुए उनकी भी वीडियो शूट करें, लेकिन कोई बात नहीं। और सबसे फनी ये भी था कि जब जब सिग्नल आ रहा, गाड़ी खड़ी रह रही थी, तो सारे लोग गाड़ी के अंदर देख रहे थे कि ये लोग कितने बैठे हैं। और सच में बहुत ही बेस्ट कह सकती हूँ, बेस्ट डे हमारे लिए। खा लेंगे पब्लिक। राधे श्याम रख दे, खा लेगी पब्लिक। राधे श्याम मैं खाऊंगा। अच्छी है यार कोकोनट की, कोकोनट अच्छी है, स्वाद है, स्वाद। अच्छी है, टेस्ट करो। और तू टेस्ट करवा बेटे। तो फ्रेंड्स हम लोग इसी तरह से बैठ के साथ में लंच डिनर कुछ भी हो तो हम लोग इसी तरह से बैठ कर खाना खाते हैं। कोई अकेला नहीं खाता, भले कब से खाना बन गया हो, लेकिन सब इंतज़ार करते हैं कि सब इकट्ठे हों तभी हम लोग खाना खाएं। बच्चे तक नहीं खाते हैं। तो बस थैंक यू भगवान, इतनी अच्छी मेरी फैमिली है उसके लिए और देने के लिए इतनी अच्छी फैमिली। बस हम लोग सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे और लास्ट में आइसक्रीम तो मतलब बनती है खाने।